सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आप लोगों को मैं अपना हॉस्टल टूर देने जा रहा हूँ। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, लाइक इट्स -18, और आपका भाई यहाँ पे वीडियो बना रहा है, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई एटलीस्ट जहाँ पे रह रहे हो उस जगह की वीडियो तो बनाओ, या व्लॉग एक होना चाहिए हॉस्टल टूर का। खैर चलिए, आज आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे लड़कियों के किस तरह के रूम है और लड़कों के किस तरह के रूम है, इज देयर एनी डिफरेंस, और बाकी क्या क्या हॉस्टल में हमें फैसिलिटीज मिलती हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी शोन इन दिस वीडियो, लेट्स गेट इनसाइड। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जल्दी जल्दी करें, चलिए फिर चलते हैं आज। ओके सो यहाँ पे इंटर होते ही हॉस्टल में सबसे पहले एंट्रेंस है। एंट्रेंस में यहाँ पे छोटी मोटी स्पोर्ट्स की चीजें पड़ी हुई हैं, लाइक टेबल टेनिस, और यहाँ पे जैसे पीछे मेरे दोस्त खेल भी रहे हैं। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सिम देने चाइना यूनिकॉर्म का एक बंदा बैठा हुआ है। यहाँ से ही आते सारी जो जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उनको सिम्स भी यहाँ से मिल जाएंगी, जो कि स्टूडेंट पैकेज के साथ मिलेंगी। खैर ये थी हमारी एंट्रेंस, जहाँ पे छोटी मोटी स्पोर्ट्स की चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पे अक्सर इवेंट्स जो कि आपने वीडियोज देखे यहाँ पे ही होते हैं, कल्चरल जैसे हो गए। अभी मेन चूंकि कैंपस नहीं खुला तो इसीलिए यहाँ पे ही वो मैनेज करते हैं। सो यहाँ एंट्रेंस पे जब हम इंटर होते हैं तो सामने तो स्पोर्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हमारे पीछे यहाँ पे एक बोर्ड है जिसपे आर्ट वर्क है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो यूनि की तरफ से हमें कंपटीशन दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं और देखना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ना लीडरशिप बोर्ड की कमी है। पाकिस्तान में अब ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जो सीनियर ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होता है उनके पिक्चर्स के साथ उन्होंने कौन सा एग्जाम पास किया है, उनका लीडरशिप बोर्ड पे बाकायदा एक प्रोफाइल होती है, जिससे होता यह है कि जो जूनियर्स या न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो जो ही उस इंस्टीट्यूट में या उस डॉर्मेट्री में या हॉस्टल में इंटर होते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार ये हमारे सीनियर थे, इन्होंने ये एग्जाम पास किया है, ये यहाँ पे अब काम कर रहे हैं, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलती है, वो भी पढ़ते हैं, वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये अब मैं अपनी यूनि को इंशाल्लाह जरूर बोलूंगा कि हमें वो नीड अ लीडरशिप बोर्ड, जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने यूएस मिली पास किया, प्लेब पास किया, एनएलई एमसीआई पास किया, उनका एक लीडरशिप बोर्ड बनाओ ताकि चले कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री है और जो यहाँ पे इंटर स्टूडेंट्स हो रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। सो ये काम तो इंशाल्लाह मैं बिफोर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह करके जाऊंगा। तो यहाँ पे नीचे आइए, आई बेसिकली हम बोलते हैं चाची मामी ताई को, और ये जैसे समझ लें कि केयर टेकर या वार्डन है। यहाँ अगर हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो हम नीचे आके आई को बता देते हैं कि वी नीड दिस, कुछ भी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ये आई हैंडल करती है। साथ में टीचर खड़ी हुई है, और अगर अभी राइट तो अगर हमने बाहर भी जाना हो तो यहाँ पे नाम लिखना होता है, वापस आने पे भी नाम लिखना होता है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स के जितने भी अफेयर्स हैं इन डॉर्मेट्री वो ये आई हैंडल कर रही होती है। सो दिस इज अवर स्टडी रूम, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब करना मैं अच्छा नहीं समझूंगा, तो इसीलिए मैं विस्पर कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको हमारा ये एनवायरनमेंट अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, इन बच्चों को हम पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हम इनको। ओके सो यहाँ से जब हमने ऊपर जाना है तो सबसे पहले इस साइड पे आई का रूम है, आगे जाके ऑफिस है जहाँ पे सर संदीप बेसिकली आके बैठते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारी यूनि के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। उसके बाद चलिए फिर ऊपर चलते हैं, स्टेयर्स चल के आपके दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर से राइट नाउ स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं, और यहाँ पे तमिल, इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पाकिस्तानी, गानियन एंड डिफरेंट कंट्री से लोग रह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट कंट्री से हैं उनके रूम्स आपको दिखा सकूँ, और किचन और लॉन्ड्री वगैरह भी चलिए आपको दिखाता हूँ फिर। ओके सो ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ से स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री बेसिकली ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नीचे तो स्टूडेंट्स रहते नहीं हैं, तो यहाँ पे तीन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ओल्ड डॉर्मेट्री में चार रह रहे हैं, पहले ऐसे हुआ करता था 2018, 2019, 2020 में जब हम यहाँ पे थे, इस डॉर्मेट्री में दो लोग रहते थे न्यू डॉर्मेट्री में, और ओल्ड में तीन रहते थे, हम तीन लोग वहाँ पर रहा करते थे। अभी इन लोगों ने चेंज किया और अभी यहाँ पर तीन और वहाँ पर चार,
क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स चाइना में चिटीहार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा अभी चला हुआ था, इसकी रैंकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो अभी इनके ऊपर भी काफ़ी सारा बर्डन आई यूनिवर्सिटी हो चुकी है। ओके, तो मेरे फ्लोर पे तो आज ये काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लाइट्स खराब थी और क्योंकि स्टूडेंट्स ही यहाँ पे नहीं थे तो आज ये मेरे फ्लोर पे आए हुए हैं काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर, मेरा भी गीज़र वैसे ठीक करवाने वाला है, तो चलिए आपको मैं अपना रूम चल के पहले दिखाता हूँ। तो मेरे रूम में एक बंकर है और एक वुडन बेड है, यहाँ पे भी तीन स्टूडेंट्स आने थे लेकिन अभी हम दो ही हैं और तीसरा में भी बाद में आ जाए। ये मेरा रूम है कि चाहे मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोग सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करोगे तो चाहे आप पी सकते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए भी हम बड़े दिल के मालिक हैं, आपको चाहे तो ऑफर कर ही सकते हैं, आप आखिरकार हमारे रूम पे आए हैं। खैर, ये टेबल है, एक साइड टेबल मिला हुआ है, एक चेयर है और साथ में एक कबर्ड है, डेढ़ साल आपको एक रूम में मिलता है। यहाँ पे रूम को आप जितना मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपने वाल पेपर लगाना है या आपने जिस तरह की भी कस्टमाइजेशन करनी है वो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, आपने रूम पे टीवी रखना है, एलसीडी रखनी है या आपने जो कुछ भी रखना है वो आप रूम पे आपको यू आर फ्री कि आप यहाँ पे रख सकते हैं, यूनी की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन चूंकि हम तो इंटर्नशिप पे हैं तो मैं तो यहाँ पे पैसे इतने लगाना बेहतर नहीं समझूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ हम रहने आए नहीं हैं, तो हमने लगा कि क्या कर रहे हैं अब। तो इस रूम में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री में मिली हुई है, हॉट वाटर हमें मिलता है फ्री में जो कि शावर वगैरह के लिए, और उसके बाद जहरी सी बात है जो लाइट्स वगैरह या यहाँ पे चाय वगैरह के लिए कैटल वगैरह हमने रखी होती है, चाय वगैरह बना लेते हैं। रूम में कुकिंग वो मना है, अगर आप रूम में कुकिंग करोगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को अगर पता चल गया तो वो आपको फ़ाइन भी कर सकती है और अच्छा खासा फ़ाइन कर सकती है आपको। एंड द अदर थिंग इज़ डैट कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होता है, बाहर चाहे जितनी भी सर्दी हो लेकिन अंदर आके बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, एंड गर्मियों के लिए यहाँ ऊपर एसी लगा हुआ है, एसी क्वाइट इनफ है, सर्दियों में भी लोग चला रहे होते हैं, हीटिंग पे कन्वर्टर है बेसिकली ये। जो मेरे रूम से बाहर का व्यू आता है ना, डैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सामने जो दरख्त हैं और नीचे जो स्नो है, ये दोनों मिलके इतना सामने सुहाना या प्यारा सीन बना देती हैं। मुझे अक्सर जब मैं परेशान होता हूँ स्टडी से तो यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ बेड से या चेयर से। चलो दिखाता हूँ आपको भी मैं। चलिए आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, ये मेरा बाथरूम है और गीज़र यहाँ पे हमें दिया जाता है। बेसिकली जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, वो खराब है इसीलिए मुझे हाथ से धोने पड़ रहे हैं, यार क्या किया जाए क्या किया जाए, कपड़े तो धोने हैं ना। आज भोंसले भाई मेरे तमिल के फ्रेंड हैं, इज़ हेल्पिंग मी आउट इन दिस व्लॉग, और बाहर ये आज वर्कर लगे हुए हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ डोर में काफ़ी सारा काम होने वाला था। सो अभी आपको मैं एक मेरे इंडियन फ्रेंड है इज़रा, उसके रूम में चल के दिखाता हूँ कि लड़कियों का रूम यहाँ पे न्यू डोरमेट्री में कैसे हैं और उनके रूम में क्या डिफरेंस है जो हमारे रूम में नहीं है। खैर चल के देखते हैं वो भी। इज़रा हेलो, हाउ आर यू इज़रा? So everyone meet my friend Izra, she is from Indian Gujarat. How are you? I'm good, how are you? बिल्कुल अच्छा, तुम्हारा रूम देख के मुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी कि मुझे भी अपना रूम थोड़ा सा साफ रखना चाहिए। यार तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है सच में, मुझे इनफेरियोरिटी कम्प्लेक्स अभी यहाँ पे आके ना हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि आई शुड क्लीन माई रूम एट लीस्ट वंस अ वीक। क्या लगा है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है अभी? पहले वाला न्यू डोरमेट्री अच्छी थी यहाँ वाली? मुझे पहले वाली अच्छी लग रही है। यहाँ लड़कियों को दो बंदे अभी भी मिल रहे हैं लेकिन हम बेचारे लड़कों को तीन दिन रख रहे हैं रूम में। एग्जैक्टली तो यहाँ पे और कोई टेंशन टेंशन तो नहीं है लड़कियों की सिक्योरिटी वगैरह? ओके, कभी कोई और लोग कहते हैं कि जो को डॉर्मेटरीज होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, इज देयर एनी ट्रूथ? नो, दैट्स नॉट अ ट्रूथ, बिकॉज यहाँ पे कैमरास हैं, सब जगह मॉनिटरिंग रहता है और हम रेगुलर चेकिंग भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिक्योर। ओके, सो इफ अ बॉय गॉट इनसाइड अ गर्ल्स रूम तो क्या होता है? सीधा एक्सपेल्ड, सीधा गेट एक्सपेल्ड, नो वार्निंग, नो वार्निंग, सीधा एक्सपेल्ड। तो गर्ल्स आर सेफ मोर देन इंडिया एंड पाकिस्तान? यस,
इन चाइया। सो दिस इज इजराज रूम। दो यहाँ पे दो बेड हमारे यहाँ बंकर है, लेकिन इनको वुडन बेड ही फिलहाल मिले हैं। ये इजरा के क्या इनको बोलोगी, नाम रखे हुए कुछ? हाँ बताओ। मैंने एक का नाम रखा हुआ है। ये फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली पिकाचू, देन सेकंड वन इज लाइक लवी डवी, थर्ड वन इज चुटकी, ओके, एंड द अदर वन इज डिंगला। ओके डिंगला, डिंगला, डिंगला इज अ गुजराती वर्ड। अच्छा अच्छा, वो क्या मतलब इसका? इसका मीनिंग टेडी बेयर ही है। इतना मैं शूज पहने हुए थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ? उसके लिए ओसीडी होना चाहिए। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंप्लेक्सिव डिसऑर्डर। अभी मुझे चलना चाहिए। खैर इजरा, मुझे ये भी नहीं मिला हुआ, हम लोग के सीनियर्स ने हम लोग को दिया था। ओके ओके यार, नाइस नाइस नाइस। खैर इजरा, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस इन योर रूम। ओके सी यू। ओके तो अभी हम आए हैं अपना, मेरा एक जूनियर है हमजा। हमजा क्या हाल है? तो हमजा का रूम ये है। ये बॉयज के यार ऐसे ही रूम होते हैं, अब कितना आपको साफ दिखाएं। आपको भी पता है कि बॉयज़ के रूम ऐसे ही होते हैं। तो चलिए आपको एक रूम का और मैंने दिखा दिया है। तकरीबन सारे रूम ही ऐसे होते हैं, कुछ लोगों ने कस्टमाइज काफ़ी किए होते हैं, और चूंकि अभी जो लोग आए हैं उन्होंने आगे काफ़ी सारा टाइम है कस्टमाइजेशन के लिए, तो वो बाद में इंशाल्लाह कर लेंगे। सो हर फ्लोर पे लॉन्ड्री रूम होता है। यहाँ अभी जिस फ्लोर पे हैं वो 6th फ्लोर है और इट्स गर्ल्स फ्लोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो बॉयज़ का है वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, वहाँ पे जिम वगैरह का सामान रखा होता है तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो गर्ल्स का लॉन्ड्री रूम थोड़ा सा क्लीन होगा तो आप लोगों को वो दिखा दिया जाए। ये वॉशिंग मशीन खैर अभी थोड़ी सी ख़राब पड़ी हुई है, ये यूनि वाले कह रहे थे कि आफ्टर अ मंथ वो न्यू लेकर आ जाएंगे। तो इसी तरह ये काफ़ी बड़ा रूम है एक्चुअल में, और यहाँ पे तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इनफ स्पेस होती है कि वो अपनी लॉन्ड्री यहाँ पे कर सकें। वेल ये मेरे जूनियर्स का रूम है, आपने गेस कर रहे हैं ये फीमेल हैं या मेल हैं। रूम्स को देख के आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि ये किन का रूम है। और लुक दिस इज़ वेरी क्लीन, अभी इन लोगों ने भी कुछ एडिशनल नहीं लगाया, लेकिन एवरी थिंग इज़ हियर। ये फ्रिज वगैरह सारी खुद लेके आनी पड़ती है, बाकी ये स्टोव वगैरह ये भी खुद लेकर आने पड़ते हैं। और ये चेयर वो साइड टेबल कवर्ड ऑफ कोर्स यूनि की तरफ से मिलते हैं, और ये टेबल भी, लेकिन ये खाने पीने की सारी चीज़ें ये खुद आपको लेकर आनी पड़ती हैं बाहर से। ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं बाल्टी वगैरह और ये खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद आपको लेकर आनी पड़ती हैं। वो राउटर जो लगा हुआ है ये यूनि की तरफ से लगाते हैं। ये अभी बेसिकली अपडेट कर रहे हैं, इससे भी जो नेक्स्ट वर्जन है वो लगा रहे हैं बाहर। सो फॉर किचन टूर हिकमा आजम फ्रॉम इंडिया, शी इज माय क्लासमेट, शी इज जॉइनिंग मी। ओके हिकमा, टेल अस मोर अबाउट किचन। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे सब मिलके सारे फ्रेंड्स मिलके डाइनिंग करते हैं जब भी हम चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा कुकिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे हम कुक करते हैं। Okay. At a time, काफी सारे लोग यहाँ पे कुक कर सकते हैं। Okay. और हमको सफाई भी यहाँ पे कुछ करनी होती है। ठीक है, that's really bad thing. मतलब वो रात को जब जिस रूम की होती है उसको फिर काफी मसला भी होता है ना। हाँ, पर आप काम कर रहे हो तो आप सफाई तो आप खुद ही करोगे। हाँ। अरे 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 अरे, यहाँ पे तो पढ़ाइयाँ चल रही हैं भाई। How are you, प्रीक्षा? How are you? तुम लोगों ने तो काफी लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है, ये वैसे हम बोल लाइट ऑफ करके ना देखें, ये ऑन करोगी? यशवा हाँ कर दो। ओके, ओ नाइस नाइस नाइस, ये अच्छा है इनका, ये तो एम्बियंट काफी बन गया आपका एनवायरनमेंट। वी कैन टर्न ऑन द लाइट्स। अच्छा तो अपना रूम पसंद है या नहीं है? वैसे यार लड़कियों के रूम मैंने देखे हैं सारे ही साफ हैं, जितने लड़कों के रूम में गया हूँ। किचन भी अच्छी है, रूम्स भी अच्छे हैं, और फोर्थ फ्लोर के जैसे कि मेरा रूम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, सच में आई एम नॉट किडिंग, मैं दिखा दूंगा, मेरा ब्लॉग बाद में देखना आप लोग, ठीक है उसमें नजर आ जाएगा। सो इन लोगों का भी ये सब में मिलता है, दिस थिंग कबर्ड टेबल, दो बेड साइड टेबल, और ये आपने बाद में मेरे ख्याल लेके आई, और ये छोटे छोटे जो टेबल पड़े हैं ये साथ में मिलते हैं, एसी मिलता है, ये सब रूम्स में ही जैसे कि मैंने दिखाया ये सब में मिलता है, ये सब कुछ खुद ही करना होता है। ओके परीक्षा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस और कीप स्टडिंग। अजय यशवा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले जब 2018 में ओल्ड रूम में थे या न्यू में थे? ओल्ड में, वो अच्छा ना वैसे? ओल्ड अच्छा था, उसकी सब यार उसकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो वन साइडेड रूम है, एक साइड से खाली है वो अपोजिट रूम की वो शोर नहीं है। चलो अपना रूम खोलो वो देखते हैं। सो ये तुम्हारा रूम है? यस। ओके, इधर तुमने कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं की इसमें? नहीं अभी नहीं। ओह नाइस, स्टडी कर रही थी? हाँ, पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही हो आजकल? पीडियाट्रिक्स।
और यार मुझे भी पढ़ा दो भाई। सो यशवा मेरी क्लासमेट है एंड ये यशवा की बहन नूर है 2021 में, और यहाँ पे वैसे सिस्टर्स बहुत आ रही हैं, बहन भाई बहुत आ रहे हैं और सिस्टर्स बहुत आ रही हैं। मैंने तकरीबन कोई 7-8 तो देखे हैं लोग इस तरह। ओके यशवा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेल आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपने वीडियो लाइक की है तो वो जो इस तरह का बटन होता है ना, लाइक इस तरह का, उसके ऊपर ऐसे टच करना है, वो लाइक हो जाएगा। और सब्सक्राइब का बटन नहीं जो नीचे दिख रहा, उसको ऐसे करोगे ना तो वो सब्सक्राइब होगा। और साथ में बेल आइकन का बटन आता है, उसको क्लिक करोगे ना तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस मेरी आया करेंगे ना, वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो ये 3-4 काम किया करो यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। खैर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।